एक मरतबा देश के अंदर खतरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं बदला ना जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं बर्बाद करने की कोशिश की जाए, तो उसके लिए हम लोग, हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि पूरे देश के अंदर, बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर इसकी लड़ाई हम लोग छेड़ेंगे। और हमारे जो लीडर है नीतीश कुमार जी, उम्मीद है कि अगुवाई करेंगे उस टीम की, और हम लोग ये तो मनोकामना बिहार में रहने वाले सभी लोगों के जितना जल्दी हो कुछ इस तरह का फैसला नज़र आए, सामने आए, जिसमें नीतीश जी नेतृत्व करते हुए नज़र आए। मुझे उम्मीद है कि जो माहौल है देश का, नीतीश जी एक वाहिद पर्सनालिटी है जो इस मुल्क को इन बुराइयों से दूर कर सकते हैं। दिल्ली में बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद से प्रदेश जनता दल यूनाइटेड में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में देश के संविधान को बचाने की लड़ाई के लिए जो मोर्चा बनेगा उसका नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। दरअसल बीते कई सप्ताह से जारी भीम चौपाल आज शुक्रवार को बाबा साहेब की जयंती पर संपन्न हुई। इसमें हिस्सा लेने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने यह बातें कही। वहीं इससे पूर्व पार्टी नेताओं ने बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। बाबा साहब अमर रहे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। धर्म का राजनीतिकरण करने और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों का बहिष्कार करेंगे। वोट के सौदागरों के प्रलोभन में आकर बाबा साहब के दिए वोट के अधिकार का अपमान नहीं करेंगे। ऐसे तो ये पार्टी का कार्यक्रम है वो पिछले कई दिनों से चल रहा था, और कल अंबेडकर जी के जन्मदिन के एक दिन पहले संध्या पर दीपोत्सव का प्रोग्राम हर पंचायत में रखा गया था पार्टी की तरफ से। और आपको जानकर के खुशी होगी कि दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में हर पंचायत के अंदर दलित बस्ती में हम लोगों ने ये कार्यक्रम बहुत सफल रूप से किया। कल हम लोग खुद अध्यक्ष जी, मैं, श्याम किशोर प्रधान जी, सभी लोग कल हवासा गांव के अंदर थे। और आपको जान के उनकी खुशी होगी कि न कि सिर्फ जहाँ मीटिंग थी वहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, बल्कि पूरे गांव को दलित समाज में लोगों ने दिया से जगमगाया। और न कि सिर्फ पार्टी का साथ दिया बल्कि भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया। आज भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन पूरे देश के अंदर सरकारी गैर सरकारी अभी सभी लोग मना रहे हैं, और वही हम लोग भी पार्टी की ओर से आज यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम में हम लोग उनके जन्मदिन को मना रहे हैं और उनके सफ़र को याद कर रहे हैं कि किस तरह से उनको पीड़ित किया गया, उनको स्कूल में पढ़ने में बाधाएं आई, जब वो बॉम्बे पढ़ने गए वहाँ भी उनको मुश्किलात आई, और आखिरी में एक राजा की मदद से जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
जब वहाँ पढ़ने गए तो उन्होंने अपने प्रतिभा को साबित किया और एक काबिल इकोनॉमिस्ट के साथ साथ लॉ की डिग्री भी उन्होंने लंदन से ली, पैरिट लॉ उन्होंने किया और करके वापस आए। और फिर उन्होंने देश के सामने अपना संदेश, पॉलिटिकल संदेश, फिर अपना प्यार 1920 में दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो गरीब लोग हैं इनको संगठित होना होगा, इनको शिक्षित होना होगा और इनको अपने जितने भी उनके साथ सरकार जो गलत चीज़ें हो रही है उसके लिए लड़ना हो। और उस लड़ाई को उन्होंने शुरू किया और उसमें उनको धीरे धीरे कामयाबी मिलती गई, सहयोग मिला बहुत सारी पार्टियों का, बहुत सारे बुद्धिजीवियों का, सभी जमातों का साथ मिलता गया। और फिर जब आप जानते ही जब पहले ही सरकार बनी पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में, तो उसमें ये लॉ मिनिस्टर बनाए गए। और आप जानते ही हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब लिखा जाना था, उसका मसौदा तैयार होना था, तो उसके चेयरमैन भी ये बने। और हिंदुस्तान को जो एक समझो होली बुक है एक तरह से मुल्क के लिए, जिससे मुल्क का पूरे हर काम का संचालन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने देश को दिया। और आज उसी के बुनियाद पर ये मुल्क एक सेकुलर, एक सोशलिस्ट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और उनकी जो बताए हुए संघर्ष के रास्ते हैं उसको हम लोगों को चुनना पड़ेगा और आगे बढ़ करके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो आर्थिक आज़ादी हो, चाहे शिक्षा की आज़ादी हो, चाहे बोलने की आज़ादी हो, चाहे समाज में ना बराबरी को ख़त्म करने की लड़ाई हो, उसको हमें लड़ना है और लड़ करके अचीव करना है। आज जो हम लोगों ने बचपने में देखा, जिस तरह से छुआछूत था, जिस तरह से गरीबों को कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, जिसका जिक्र खुद अम्बेडकर जी ने भी किया है कि एक मरतबा उनको क्लास में पानी नहीं मिला तो वे कुएँ पर चलो गए पानी निकालने, तो वहाँ पर तो किस तरह से पिटाई होती है और किस तरह से जलील किया जाता है, उसका विवरण उन्होंने अपने किताब के अंदर किया है। तो ये जो बहुत ज़्यादा दूरी थी, धीरे धीरे समाज के अंदर कम हुई। अब दलित के यहाँ भी लोग जाकर के आते हैं, दलित भी किसी के यहाँ जाकर के खा सकता है। तो ये तब्दीली अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से कटुता है, उसको मिटाने की ज़रूरत है। समाज के अंदर सभी इंसान बराबर है, चाहे वो किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, ना बराबरी को ख़त्म करना, यही लड़ाई गौतम बुद्ध की भी थी, यही लड़ाई महावीर जैन की थी, यही लड़ाई महात्मा गांधी की थी। और जिसको उन्होंने किताबी शक्ल दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शक्ल में, आज फिर से एक मरतबा देश के अंदर खतरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं बदला न जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं बर्बाद करने की कोशिश की जाए। तो उसके लिए हम लोग, हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि पूरे देश के अंदर, बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर इसकी लड़ाई हम लोग छेड़ेंगे। और हमारे जो लीडर है नीतीश कुमार जी, उम्मीद है कि अगुवाई करेंगे उस टीम की। और हम लोग ये तो मनोकामना बिहार में रहने वाले हैं सभी लोगों के, जितना जल्दी हो कुछ इस तरह का फैसला नज़र आए, सामने आए, जिसमें नीतीश जी नेतृत्व करते हुए नज़र आए। मुझे उम्मीद है कि जो माहौल है देश का, नीतीश जी एक वाहिद प्रश्नार्थी है जो इस मुल्क को इन बुराइयों से दूर कर सकते हैं, समाज के अंदर बराबरी, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को कायम कर सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। और जो आर्थिक लड़ाई है, जो आज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दौलत है देश की, उसका वितरण होना भी आम आदमी में जरूरत है। जिस तरह से नीतीश जी ने बिहार के अंदर
गरीबों तक, मुखिया का पोस्ट, सरपंच का पोस्ट, मेंबर, वार्ड मेंबर, जिला परिषद के अध्यक्ष मेंबर, वहाँ तक पहुँचाया है। इसी तरह से और भी दौलत का बंटवारा भी होना चाहिए। आज चंद लोग सालों में दुनिया के नंबर टू के लोग बन जाते हैं। आपने देखा अडानी पहले कितने नंबर पे था, और ये जो 9 साल की हुकूमत है उसमें दुनिया का सेकंड रईस आदमी बन गया। उसका उजागर हो गया किस तरह से बेईमानी शैतानी से उनको दौलत दी गई। मुझे लगता है कि अगर यही दौर चलता रहा तो देश की संपत्ति पर एक बड़ा कब्जा सिर्फ एक परिवार अडानी परिवार का हो जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो दौलत मुल्क कमाए उसमें सभी का 140 करोड़ लोगों का हिस्सा होना चाहिए। वो भी आर्थिक आज़ादी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सबको बराबरी का हक देश की तरक्की के अंदर मिले। तो हम लोग आर्थिक आज़ादी चाहते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक आज़ादी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि समाज में बराबरी हो। फिर जिस तरह से धर्म के नाम पर मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है, हम लोग कहीं भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी जात बिरादरी का मतलब का डोमिनेशन हो। जिस तरह से मूल सवालों से हटाने के लिए धर्म का इस्तेमाल देश के अंदर हो रहा है, अब देखो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, मैट्रिक हो, आम आदमी हो, उनके पास रोजगार नौकरी नहीं है। आप चले जाओ महंगाई, आप 10,000 रुपया 20,000 रुपया जेब में लेके निकलो, कैसे वो ख़त्म होता है आपको पता चल जाएगा कि साग सब्जी से लेकर खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी है। तो इन सब चीज़ों से देश की सुरक्षा खतरे में है। और एक तरफ क्लीन देश में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है कई जगहों पर, उसमें अस्थाई भारत की ज़मीन के ऊपर अस्थाई कंस्ट्रक्शन कर दिया। फिर ये कहते हैं कि कुछ नहीं उनका। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मुल्क खतरे में है, यहाँ के नौजवान उनका भविष्य खतरे में है, इस मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है। तो इस सब को देखते हुए एक देश के अंदर परिवर्तन की ज़रूरत है। और उस संघर्ष को में हम लोग बिहार को बिहार अगुवाई करेगा, बिहार का लीडर अगुवाई करेगा। जो हम देख रहे हैं जो दिल्ली के अंदर हलचल है, वो मुझे उम्मीद है कि देश की का बागडोर बहुत जल्द हमारे लीडर के हाथ में आएगा और ये मुल्क उनके हाथों में महफूज होगा। और जिस तरह से बिहार के अंदर उन्होंने एक बिहार मॉडल पेश किया है, जिसमें गरीब, पिछड़े, दलित, अकलियत सभी लोग को उसका हिस्सा मिला है, पूरे देश के अंदर गरीबों को अधिकार मिलेगा, गरीब आगे बढ़ेंगे। यही आज हम लोग अम्बेडकर जी के जन्मदिन के ऊपर हम लोग अहद किया है